बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एलपीजी गैस पे बाइक को कन्वर्ट करने से इंजन में क्या नुकसान होते हैं, आज की इस वीडियो में इंजन को मुकम्मल तौर पे खोल के कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इस बाइक को एलपीजी गैस पे चलते हुए तकरीबन 6 से 7 माह हो चुके हैं। ये बाइक एलपीजी गैस प्लस पेट्रोल दोनों पे कन्वर्ट है। जब एलपीजी गैस ख़त्म हो जाती थी उस वक्त कस्टमर इस बाइक को पेट्रोल पर भी चलाते थे, यानी कि ये बाइक कभी कभी पेट्रोल पर भी चलती थी। ये पीछे आप देख सकते हैं पाइप लगा हुआ है और ये ढक्कन लगा हुआ है। अभी हम बाइक को स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इस बाइक में जो मेजर प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं स्मोग आना शुरू हो जाता है और ये वाइट स्मोग है, यानी कि इंजन से जो ऑयल का लेवल है वो भी कम हो जाता है और सिलेंसर से काफ़ी ज़्यादा धुआं भी आता है। इसका रीज़न ये है कि जब भी कभी भी कोई भी बाइक लॉन्ग टाइम के लिए एलपीजी गैस पर चले तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है रिंग पिस्टन और हेड के वाल्व का होता है। कितना नुकसान होता है, हेड सिलेंडर हम खोल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें चेक करवाते हैं और क्यों ये नुकसान होता है और इस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग एलपीजी गैस पे पेट्रोल वाली बाइक को क्यों कन्वर्ट करवाते हैं। पेट्रोल की निस्बत एलपीजी गैस पे माइलेज जो है वो आपको तकरीबन डबल मिल जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बाइक पेट्रोल पे 50 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 1 लीटर के साथ, तो एलपीजी गैस पे 90 से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 1 किलो के साथ। एवरेज तो डबल हो जाती है लेकिन इंजन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उस असर से आप कैसे बच सकते हैं, यानी इंजन पे जो नुकसान होता है उस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, तो आप अपनी बाइक को तकरीबन 3 किलो गैस पे बाइक जब चल जाए उसके बाद तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल पर भी आप बाइक को चलाएं, तो उस वक्त जो इंजन में नुकसान है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और जब कभी भी आप गैस पे बाइक को चला रहे होते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो उसके हेड के वाल्व होते हैं। आप देख सकते हैं एलपीजी गैस आपको एक नंबर नहीं मिलती, जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा पैदा होता है और हेड के वाल्व जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वाल्व की सीलें ख़राब हो जाती हैं, पिस्टन के ऊपर कार्बन पैदा होता है जिसकी वजह से बाइक धुआं मारना शुरू कर देती है वाइट कलर का, और फिर आपको इंजन का काम भी करवाना पड़ता है। अब इस बाइक का जो मसला है मेजर वो इसके हेड के वाल्व ख़राब हुए हैं। पिस्टन की कंडीशन आप देख सकते हैं, पिस्टन जो है तकरीबन सही हालत में है। अब बाइक जो स्मोक मारती है वो रिंग्स की वजह से भी हो सकता है, पिस्टन की वजह से भी हो सकता है, हेड के वाल्व की सीलें लीक हो जाएं या वाल्व की गैडें लीक हो जाएं, तो तब भी बाइक के इंजन से वाइट कलर का स्मोक आता है। अब पिस्टन की टॉप पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है। अब हम आपको हेड जो है मुकम्मल तौर पर डिसअसम्बल करके चेक करवाते हैं, उसकी रॉकर और केम अलग करके, हेड के वाल्व अलग करके आपको चेक करवाते हैं। अभी हमें बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमने अभी अपनी बाइक सर्दियों में एलपीजी गैस पे कन्वर्ट करवानी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सर्दियों में एलपीजी गैस पे बाइक को कन्वर्ट करवाने से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी आजकल की रेट्स की बात की जाए तो एलपीजी गैस महंगी है और पेट्रोल सस्ता है, और दूसरे नंबर पे एलपीजी गैस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको एक नंबर एलपीजी गैस नहीं मिलती। और सर्दियों में वैसे ही पेट्रोल पर भी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है, तो एलपीजी गैस पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। बेहतर मशवरा यही है कि आप जब भी कभी अपनी बाइक को एलपीजी गैस पर कन्वर्ट करवाएँ तो गर्मियों का मौसम हो, ये 3 से 4 माह जो होते हैं सर्दियों के, इस मौसम में आप अपनी बाइक को एलपीजी गैस पर ना करवाएं। अभी आप देख सकते हैं वाल्व के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन पैदा हो गया है जिसकी वजह से वाल्व और गैडें डैमेज हो जाती हैं। जो भी बाइक एलपीजी गैस पे चले उसके हेड के वाल्व और वाल्व की गैडें और सीटें ये आपको ज़रूर रिप्लेस करवा लेनी चाहिए। पिस्टन के ऊपर वाली साइड पर कार्बन की काफ़ी मोटी लेयर जम चुकी है, इसको आप साफ़ करके पिस्टन की कंडीशन अगर ठीक हो तो सिर्फ आप रिंग्स तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पिस्टन है बिल्कुल 0 नंबर का है, स्टैंडर्ड साइज़ का है, हम इसके स्टैंडर्ड साइज़ के क्रॉनलीफान कंपनी के सिर्फ और सिर्फ रिंग्स तब्दील कर रहे हैं। क्रॉनलीफान कंपनी का कोई भी बॉडी पार्ट्स, इंजन पार्ट्स अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं 15% डिस्काउंट प्लस फ्री होम डिलीवरी के साथ पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो आप क्रॉनलीफान कंपनी की वेबसाइट विजिट करें, क्राउन ई शॉप के नाम से गूगल पे आप सर्च करेंगे, उसके बाद हमारा जो डिस्काउंट कोड है PBR15OFF, ये आप डिस्काउंट कोड वाली जगह पर लिखेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट और प्लस फ्री होम डिलीवरी
पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई भी पार्ट्स आप मंगवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे हमने आपको प्रैक्टिकली पार्ट्स परचेज करके दिखाया। जब भी आप किसी भी बाइक के रिंग्स तब्दील करें तो सिलेंडर के अंदर आपने एक बार रिंग को इस तरह से फिट करके उनका जो गैप है वो चेक कर लेना है। अगर गैप बिल्कुल माइनर सा हो तो फिर आप रिंग्स पिस्टन में फिट कर सकते हैं, अगर जो ज़्यादा गैप हो तो फिर आपको सिलेंडर बोर भी नया करवाना पड़ेगा और 50 नंबर का पिस्टन नया डलवाना पड़ेगा। उसके बाद रिंग्स फिट करने की बारी आ जाती है। सबसे पहले आपने जाली वाला रिंग फिट करना है, उसके बाद हेल्पर रिंग्स फिट करने हैं जो ऑयल वाले रिंग होते हैं, उसके बाद आपने ब्लैक कलर का देगी रिंग फिट करना है जिसके ऊपर क्राउन लिफान जहाँ पे लिखा हो प्रिंटिंग साइड वो आपने ऊपर वाली साइड पे रखनी है, और जितने भी रिंग्स आपने फ़िट करने हैं सारे ओपोजिट साइड पे फिट करने हैं। वैसे तो रिंग्स को फिट करने के रिलेटेड डिटेल से एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, अगर वो वीडियो आपने अभी तक वॉच नहीं की तो काइंडली ज़रूर वॉच करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर आपने टॉप प्रेशर रिंग फिट करना है। इसी तरह टोटल 5 रिंग होते हैं, पांचों के पांचों फिट करने के बाद आपने लुब्रिकेशन करनी है। लुब्रिकेशन करने के बाद पिस्टन को आप सिलेंडर के अंदर भी फिट कर सकते हैं या फिर आप बाइक के साथ फ़िट करने के बाद सिलेंडर बाद में फ़िट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे फ़िट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फ़िट कर रहे हो एहतियात रखनी है कि ज़बरदस्ती आपने नहीं करनी, अदरवाइज़ रिंग टेढ़े हो जाएंगे। उसके बाद बारी आ जाती है हेड के वॉल्स फिट करने की। अब जो वॉल हमने फ़िट किए हैं ये भी क्रॉनली फॉन कंपनी के, आप देख सकते हैं। इनको भी सिंपली आपने लुब्रिकेट करना है, सबसे पहले साफ़ करना है, फिर लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद फिर आपने जो वॉल्स हैं वो हेड के अंदर फ़िट करने हैं। अब ये वॉल ऐसे ही आप न्यू वॉल लेके फ़िट नहीं कर सकते, बल्कि पहले स्टैंडर्ड साइज़ के वॉल चल रहे होते हैं, उसके बाद ओवर साइज़ के आप क्रॉन लिफान के वॉल लेंगे, फिर ये खरादिये के पास जाएगा, वॉल्स को ग्राइंड करना पड़ेगा और गैड्स के अंदर भी आपको बोर करना पड़ेगा, फिर जाके फिट होंगे। उसके अलावा जो इसकी सीलें हैं वो भी आप रिप्लेस करेंगे। सील्स आप देख सकते हैं जो बेस्ट क्वालिटी है वो क्रॉन लिफान कंपनी की है। क्रॉन लिफान कंपनी की हेड के वॉल्स की सील आप फिट कर सकते हैं। सील को फिट करने से पहले आपने उनके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगाना है। पहले वाली सील जो है गैड से आपने निकाल लेनी है अगर मौजूद हो तो उसके बाद आपने न्यू सील फिट करनी है। अक्सर औकात ये मिस्टेक हो जाती है कि पहले वाली सील भी गैड के अंदर लगी होती है और आप न्यू सील ऊपर से लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइक का जो स्मोक का मसला है वो ठीक नहीं होता। उसके बाद आपने स्प्रिंग फिट करना है। स्प्रिंग फिट करने के बाद वॉल्स की काटरें फिट करनी है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे आसानी आप हमारी शॉप पर आ सकते हैं। कटर्स को फिट करने के लिए आपके पास दो तीन किस्म के पुलर्स होते हैं। हमारे पास जो पुलर है वो बहुत ही आसानी के साथ कटर्स को फिट कर देते हैं। वीडियो के एंड में हम आपको इसके सारे एक्सपेंस भी बताएंगे कि क्रॉन लिफान कंपनी का सारा सामान डाल के आपका कितना खर्चा आ सकता है विद लेबर चार्जेस। ये जो भी आपने सामान फ़िट करना है इसको आपने नया ऑयल लगाना है, लुब्रिकेशन करने के बाद ही फ़िट करना है। और एक बात आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी बाइक के पुराने पार्ट्स को फ़िट कर रहे हों तो उनको पेट्रोल या मिट्टी के तेल के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपने फ़िटिंग करनी है। और ये जो वॉश का प्रोसेस है ये खराद के काम करवाने के बाद ही करना चाहिए। उसके बाद आपने सिलेंडर और हेड को इंजन के साथ फ़िट करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपने सीट को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, फिर आपने सिलेंडर का जैन नया लगाना है, और जो जैन है बेस्ट क्वालिटी का आपने यूज़ करना है ताकि लीकेज ना हो। क्रॉन लिफान कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट जैन मिल जाते हैं हेड और सिलेंडर के, और साथ में आपको छोटे रबड़ के रिंग भी मिल जाते हैं। दो अदर डावल जो होती हैं वो हेड की होती हैं और दो अदर डावल सिलेंडर की होती हैं। चारों डावल्स आपने ज़रूर लगानी है और सिलेंडर जैन में छोटा रबड़ का रिंग भी आपने ज़रूर लगाना है जहाँ से ऑयल वापस जाता है। उसके बाद आपने पिन फिट करनी है, पिन फिट करने के बाद लॉक फिट करना है, लॉक फिट करने के बाद आपने रूला बड़ा रूला फिट करना है, लेकिन उससे पहले पिस्टन को आपने सिलेंडर ब्लॉक में अच्छे से फिट कर लेना है। अक्सर औकात बड़ा जो रूला होता है वो ख़राब होता है, जब कभी भी आप हेड सिलेंडर का काम करवाएं तो आपको रूला जो है बड़ा वो रिप्लेस कर लेना चाहिए। उसके बाद सिलेंडर को आपने एहतियात के साथ इंजन के साथ बिल्कुल फिक्स कर देना है, और ये जो बोल्ट आप लगा रहे हैं इसको 100% टाइट नहीं करना। और फिर आपने गैस्केट फिट करना है। गैस्केट को समद लगवाने की ज़रूरत नहीं है, समद या सिलिकॉन का आप यूज़ ना करें, क्योंकि क्रॉन लिफान कंपनी का जो सामान होता है अच्छी क्वालिटी का होता है, लीकेज नहीं होगी। फिर आपने हेड को फिट कर देना है। हेड फिट करने के बाद आपने टॉप का जैन लगाना है और टॉप केस लगा देना है। चार अदद वाटसल होंगी, चारों वाटसल लगा के ऊपर आपने
आपने नट्स लगा देने हैं। सारी वाटशेल और सारे नट्स लगाने के बाद फिर आपने कसाई करनी है। ऐसा ना हो कि एक वाटशेल और एक नट लगाएं और उसी को आप टाइट कर दें, फिर दूसरा वाटशेल और दूसरा नट लगाएं उसको टाइट करें। ऐसा नहीं करना, आपने एक बार सारे नट बोल्ट्स लगा लेने हैं और बारी बारी आपने हर एक नट बोल्ट को टाइट करना है और फिर आपने टाइमिंग को फिक्स करना है। टाइमिंग को फिक्स करने के लिए मैग्नेट के ऊपर टी के निशान को इंजन केस के निशान के बराबर लेके आना है और आगे वाली गरारी को आपने चैन के ऊपर चढ़ा के बिल्कुल निशान को बराबर करके ऊपर फिक्स कर देना है हेड केम के। और टाइमिंग गरारी के ऊपर भी एक गोल मार्क होगा, उसको हेड के मार्क के बराबर करना है। इस तरह टाइमिंग जो है बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। टाइमिंग गरारी के तीन अदद बोल्ट्स होते हैं, तीनों को आपने लगा के बारी बारी मखसूस टॉर्क के मुताबिक आपने टाइट कर देना है। टाइमिंग गरारी के तीनों 9 नंबर के बोल्ट्स टाइट करने के बाद आपने हेड केस लगा देना है दोनों साइडों के। उसके बाद बोल्ट्स लगा के बोल्ट्स को प्रॉपर मखसूस टॉर्क के मुताबिक आपने टाइट कर देना है। जितने भी जैन हो हेड सिलेंडर के वो सारे के सारे रिप्लेस कर लेने चाहिए। उसके बाद आपने बारी बारी सारे नट बोल्ट्स टाइट कर लेने हैं और टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है। चाइना बाइक की जो टैपर्स की एडजस्टमेंट है, जब आप हेड सिलेंडर करें तो फर्स्ट टाइम आपने टैपर्स की जो एडजस्टमेंट है 0.05 mm रखनी है, उसके बाद 0.02 mm रखनी है कुछ टाइम बाइक को स्टार्ट करने के बाद। जब भी आप हेड सिलेंडर का काम करें तो बेहतर यही है कि आप प्लग जो है वो रिप्लेस कर दें, प्लग भी नया ही डालना चाहिए, अदरवाइज बाद में आपको प्लग नया डलवाना पड़ेगा क्योंकि जब भी बाइक स्मोक मारती है तो प्लग शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद ये वो नोजल है जिससे गैस जो है हेड के अंदर इन होता है, तो वो हम लगा रहे हैं। जब भी आप हेड सिलेंडर का काम करें तो जो जब तक आपकी बाइक 500 किलोमीटर तक ना चल जाए उस वक्त तक आपने बाइक को पेट्रोल पर ही चलाना है, एलपीजी गैस पे उस वक्त चलाना है जब आपकी बाइक 500 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाए। इंजन ऑयल आपने 700 ml ही डालना है, आप गेज वाली जगह से भी डाल सकते हैं, आप टैपर्ड कवर वाली जगह से भी डाल सकते हैं, कोई ख़ास लॉजिक नहीं है यहाँ से डालना। ये सारा काम कम्प्लीट करने के बाद बाइक को स्टार्ट करना है। बाइक को 3 से 4 मिनट के लिए स्टार्ट करना है, उसके बाद ऊपर वाला टैपर्ड कवर खोल के आपने ऑयल पंप चेक कर लेना है, इस तरह से ऑयल आना ज़रूरी है। इस तरह के सारा काम अगर आप क्रॉन लिफान कंपनी का करवाएं तो अंदाज़ा 2000 से 2500 या 3000 रुपये तक एक्सपेंस आ सकता है। लेबर चार्जेस हर इलाके के एक अपने होते हैं। इसमें हमने जो काम किया है वो हेड के वाल हैं, हाफ किट है, रिंग है, खाली खराद का काम है, इंजन ऑयल वगैरह है, इसके अलावा एयर फिल्टर है और ट्यूनिंग वगैरह है। बाइक 100% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।